दीदी और का साथ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस अभियान को कोई पहली बार थोड़े मिला है शुरुआती दौर से, और आरजेडी ही क्यों बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सब लोगों ने इसको कॉमन मुद्दा बनाया, क्योंकि बाबा हैं तिवारी जी, उनका आशीर्वाद कभी लालू जी को मिलता है, कभी नीतीश जी को मिलता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है और लोगों को भी मिलता है। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू एक बार फिर से साथ आने की कगार पर दिख रहे हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों से जो बयानबाजियां तेज हैं, दोनों पार्टियों की नज़दीकियां कहीं ना कहीं साथ आते दिख रही हैं। इसको लेकर आज मृत्युंजय तिवारी है आरजेडी के प्रवक्ता, मुलाकात की है उन्होंने जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, और उपेंद्र कुशवाहा के आवास के अंदर हम लोग मौजूद है। सीधे तौर पर जिस तरीके से दोनों पार्टियों की मांग अब साथ आने को लग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई क्लियरेंस अभी तक नहीं दिया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि हमारी मांग है जातीय जनगणना, हम उस स्टैंड पर टिके रहेंगे। सुनिए पहले उपेंद्र कुशवाहा ने आज क्या कुछ कहा है। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर कोई, हम पहले भी बोल चुके हैं कि आरजेडी और का साथ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस अभियान को कोई पहली बार थोड़े मिला है शुरुआती दौर से, और आरजेडी ही क्यों बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सब लोगों ने इसको कॉमन मुद्दा बनाया, क्योंकि यह जनता का मुद्दा है, तो सभी लोग साथ पहले ही से हैं, स्वाभाविक रूप से आरजेडी भी है। लेकिन मुलाकात हो रही है सर, क्या कन्वेयर बना के भेजा जा रहा है उनके प्रवक्ता को आपके पास, क्योंकि अब आप लोग सीधे सीधे ओपन होके दोनों साथ में आने की जो नहीं नहीं देखिए उनके प्रवक्ता, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त हमारी पार्टी थी, तब भी खेलकूद का आयोजन करते थे, वो खेलकूद से जुड़े हुए हैं, तो हम उद्घाटन करने के लिए हमको बुलाते थे, तब भी आरजेडी में होते थे, तो उनसे एक अलग व्यक्तिगत मेरा संबंध है, और कुछ काम कभी जरूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से भी मुलाकात होती है, तो उसी रूप में इस मुलाकात को देखने की जरूरत है, कुछ सियासी बातचीत के लिए अलग से अलग नजरिया से देखें। अब देखिए इस तरह की बात एक बार बैठकर ही तय हुआ है ना, अब तो उसमें तो फिर उस वक्त क्यों गए जब प्रधानमंत्री जी से जाकर मिलने की जरूरत थी, उस वक्त तो गए, उस वक्त कहते कि नीतीश कुमार जी खुद सक्षम है तो अकेले जाएं, लेकिन उस वक्त देखिए कोशिश मुख्यमंत्री जी की हमेशा रही है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट हो तो वहाँ ऑल पार्टी सबसे कॉन्सेंट ले लेना चाहिए, तो उसके आधार पर पहले से मुख्यमंत्री जी सब लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इस बात का इंतजार है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हम तय करें, तो यह कहना कि खुद सक्षम है ऑर्डर करें, ऐसे थोड़े चीजें चलती है। जेडीयू की तरफ से आपने सर खुल के स्टैंड रख दिया है, अब आरजेडी के सीनियर लीडर है शिवानंद तिवारी ने भी कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पुराने मांग है, पूरा आप पहले उन लोगों के साथ थे और आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप जरूरत पड़ी तो स्टैंड लीजिएगा, खड़े होइएगा इस बात पर। देखिए बाबा हैं तिवारी जी, उनका आशीर्वाद कभी लालू जी को मिलता है, कभी नीतीश जी को मिलता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा को मिलता है और लोगों को भी मिलता है, तो उसी तरह से उनका आशीर्वाद उसको कोई पॉलिटिक्स से जोड़ कर मत देखिए ना, कब किसको आशीर्वाद देंगे कोई ठिकाना नहीं, उसी क्रम में उन्होंने बोला होगा। तो आपने सुना साफ तौर से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने धन्यवाद कहा है आरजेडी को भी, जिस तरीके से आरजेडी की भी स्टैंड है और जेडीयू की भी स्टैंड है कि बिहार में जातीय जनगणना हो, और साथ ही साथ आज सुबह सुबह ही राजद के वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कि उपेंद्र कुशवाहा जो है काफ़ी ईमानदार व्यक्ति है, नीतीश कुमार से बड़ा छवि है अगर ईमानदारी की बात करें तो, और इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा स्टैंड लेने के लिए शिवानंद तिवारी ने कहा है, और इस बारे में भी उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी को भी धन्यवाद कहा है। अब बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।